संसद भवन में रविवार को सर्वदलीय बैठक हुई। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, रामगोपाल, दीपेंद्र उपाध्याय, पीडीपी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, अधीर रंजन चौधरी, ललन सिंह, गुलाम नबी आजाद, सुप्रियो सुले, अनुप्रिया पटेल, आनंद शर्मा, डी राजा समेत कई नेताओं ने शिरकत की। सर्वदलीय बैठक में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नेता कांग्रेस ने नई सरकार को बधाई दी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि विचारधारा की लड़ाई थी और रहेगी। सेकुलरिज्म जो देश का कल्चर है उसको बचाने के लिए काम करते रहेंगे। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कुछ मुद्दे हैं जिस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। किसान, सूखा और पीने के पानी पर ध्यान देने की जरूरत है। देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच मामले पर हमने सरकार को ध्यान दिलाया कि सत्ताधारी लोगों की तरफ से जिस तरह से विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है वह गलत है। केंद्रीय संस्थाओं को कमजोर करने का भी आरोप लगाया।